ग्वालियर में सहनगर नागरिक समाज सेवियों द्वारा बरसों की मेहनत आज रंग लाई। सरौली पहाड़ी पर एक स्थित एक मास सिटी फॉरेस्ट अब वन विभाग की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है। आपको बता दें कि सरौली पहाड़ी पर पिछले 8 वर्षों से तमाम सारी संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारियों लगातार पौधरोपण किया। सालों से बंजर पड़ी पहाड़ी पर हजारों की तादाद में बड़े बड़े वृक्षों ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन वन विभाग के भ्रष्टाचार के चलते ये हरियाली खत्म हो रही है, क्योंकि पहाड़ियों की फेंसिंग करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद लगाए गए मटेरियल घटिया क्वालिटी का निकला। वहीं इस मामले में डीएफओ विजेंद्र श्रीवास्तव ने इस मामले में विभाग की कमी स्वीकार कहा है कि इस वर्ष पूरा वन अमला पौधरोपण का काम में लगा हुआ है और इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड के सिटी फॉरेस्ट में हटने के चलते देरी हुई है। नया मटेरियल मंगवा कर जल्द ही इसका कार्य पूरा किया जाएगा। INTV न्यूज़ के लिए ग्वालियर से विकास खरे की रिपोर्ट। देखिए, जो सिरौल पहाड़ी पे सिटी फॉरेस्ट डेवलप हुआ है, भारत सरकार की योजना है, और इसमें जो है वन विभाग द्वारा मेनली सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क और फेंसिंग का कार्य किया जाना है। कुछ पौधे भी लगे हैं अंदर। अभी फेंसिंग का मटेरियल ऑर्डर हुआ है और काफ़ी मटेरियल आ गया है। एक और एक दो सामान ऐसे थे जैसे बारबेड वायर वगैरह, जिसका ऑर्डर होने पे कोई सप्लायर नहीं आया, तो उसके जेम के माध्यम से एक अलग पोर्टल भारत सरकार का, उसके माध्यम से ऑर्डर किया है, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है इसमें। और प्लांटेशन का क्योंकि काम अभी पिछले महीने ही पूरा हुआ है अगस्त मिड तक, तो अब हम इसको